sallallahu alayka ya aba abdillah sallallahu alayka ya rahmatallahil wasi'a sallallahu alayka ya baba najatil umma ma khaba man tamassaka bikum wa laja ilaykum ya ahla baytin nubuwa wa ma'adin al-hikmati wa risala sallallahu alayka ya ya asub al-deen ya amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib الله عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام رضا عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت المظلوم بعدي اے علی آپ میرے بعد مظلوم ہو جائیں گے پھر فرمایا فویل لمن قاتلک وطوبا لمن قاتل معک वाय हो उस पर जो आपसे आपको कत्ल करेगा और रहमत हो उस पर जो आपके साथ मिलकर आपके दुश्मनों से मुकाबला करेगा या अली अंतल्लदी तंते को बे कलामी ए अली आप मेरे कलाम को बयान करते हैं व ततकल्लम बिलिसानी बादी और आप मेरी जबान बोलते हैं मेरे बाद फवैल लिमन रद्द अलैका व तूबा लिमन कबिल कलामक और फरमाया वाय हो उस पर जो तेरी बात का जवाब दे और तेरा मुकाबला करे और रहमत हो उस शख्स के ऊपर जो तेरी बात को कबूल कर ले या अली अंत सैयद हादिल उम्मा बादी ए अली आप इस उम्मत पर मेरे बाद सैयद व सरदार हैं व अंत इमामुहा व खलीफती अलैहा और आप इस उम्मत के इमाम हैं और मेरे खलीफा हैं मेरे बाद इस उम्मत के ऊपर व मन फारका का फारकानी जिसने आपको छोड़ दिया उसने मुझे छोड़ दिया यौमल क़ियामा क़ियामत के दिन वमन मा का काना माई यौमल क़ियामा और जो आपके साथ रहा क़ियामत के दिन भी वो मेरे साथ रहेगा ए अली आप मेरी जान हैं आप मेरी रूह हैं आप मेरा नफ्स हैं आप मेरे खलीफा हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ये कलाम फरमाया चाहने वालों को तालीम दी कि ए अली आप मेरे खलीफा हैं इनसे मोहब्बत करनी है शाबान का आखिरी जुम्मा हो उस पर खुतबा दिया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले ने अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की मोहब्बत को लोगों के सामने आश्कार किया 13 रमज़ान अज़ीम को अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम जब सिफीन से और नहरवान से वापस आ रहे थे तो एक खुतबा दिया खुतबा देने के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर ही मौजूद होते हुए जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से सवाल किया बेटा आज क्या तारीख है फरमाया बाबा आज 13 रमजान अजीम है कहा अन करीब ये दाढ़ी खून में तर हो जाएगी इस बात का सुनना था महफिल में मौजूद शुरका सब रोने लगे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसी महफिल के अंदर कुछ मसाइब का जिक्र किया शायद अफ्तार का वक्त हो चुका था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे लेकिन मेरे मौला हुसैन जल्दी से खड़े हुए कहा आज आप पानी ना लाइए बल्कि आज अब्बास पानी लाएंगे अब्बास के पानी लाने का नाम आया मौला अब्बास छोटे छोटे कदमों से चलते हुए गए पानी लेकर आए मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पानी को देखा आंखों में आंसू भर आए फरमाया कि मुझे वो वक्त याद आ गया जिस वक्त 10 मुहर्रम को तुम पानी लेने जाओगे लेकिन पानी ला ना पाओगे अमीरुल मोमिनीन मसाए बयान करते रहे महफिल रोती रही अमीरुल मोमिनीन कूफा में वापस आ गए कूफा में वापस आकर अमीरुल मोमिनीन ने बीबी को बुलाया और बीबी से कहा कि बीबी आज मैं चाहता हूँ कि तमाम कूफे की खवातीन से आप मुलाकात करें कहा बीबी बीबी ने कहा
बाबा आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा आपका हुक्म हो। बीबी जो तैयार होने घर में गई, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, आज कूफे की खवातीन को बुला लिया जाए, आज कूफे की खवातीन को बुला लिया जाए और कहा जाए कि आज मैं चाहता हूँ मेरी बेटी से मुलाकात करने के लिए तमाम कूफे की खवातीन आ जाएं। तमाम कूफे की खवातीन आ गईं। मौला ने बीवी से कहा, घर में मौजूद तमाम चिरागों को रोशन कर लो। बीवी ने घर में मौजूद तमाम चिरागों को रोशन किया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी एक चिराग अपने हाथ पर रख लो। बीबी ने चिराग को उठाया। मौला ने फरमाया, ऐ बीबी मैं चेहरा पर ही करता हूँ, लेकिन तुमने एक काम करना है। बीबी कहने लगी, बाबा फरमाइए। कहा, बेटी ये चिराग अपने चेहरे के करीब कर लो और सर से चादर भी उतार लो। बीबी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बाबा ऐसी क्या बात है जो आप फरमाते हैं। कहने लगे मौला के बेटा थोड़ा मेरी बात को सुनो। बीबी ने चिराग बुलंद किया, चेहरे के करीब किया, सर से रिदा हटा ली। फरमाया मौला ने, कहने लगे ऐ कूफे की औरतों मेरी बेटी को देख लो, सुकून से देख लो, खूब पहचान लो। कल ये ना कह देना मेरी बेटी कूफा में आए, मेरी बेटी कूफा में आए तो कोई पहचान नहीं सका था। कोई ये ना कह दे हमने इस्मतों की पली को चादर में देखा था। बेबियों आज गौर से देख लो, मेरी बेटी को पहचान लो। जब मेरी बेटी मेरे शहादत के बाद कूफा में आए तो इसे देख लेना, इसे पहचान लेना। बीबी ने गिरिया किया, रोने लगी। अजीजों सुबह जरबत आ गई, सुबह जरबत आ गई। अमीरुल मोमिनीन को घर लाया गया। बीबी बाप से शर्माती है, बाप बीमारी की हालत में बिस्तर पर है। बीबी लड़खड़ाते कदमों के साथ कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है। एक बात मेरे मौला ने बीबी को बुलाकर कही, मेरी बीबी रोने लगी, मेरी बीबी रोने लगी। कहने लगी, बाबा ऐसा कब होगा। कहा, 61 हिजरी होगी, 10 मुहर्रम होगा, आखिरी वक्त होगा जब मेरा बेटा हुसैन तुम्हारे बाद पास आए, मेरी वसीयत को पूरा कर देना। बीबी ने नसीहत को सुना, वसीयत को सुना और बीबी तैयार हो गई। हाँ अजीजो, मेरे मौला के चेहरे का रंग जर्दी मायल हो गया, जर्दी मायल हो गया। मेरे मौला के चेहरे का रंग बदल गया, पूरा जिस्म मेरे मौला का सब्ज होने लगा। हकीम को बुलाया गया। तबीब ने आकर कहा कि जहर बहुत ज्यादा जख्मी कर गया है मेरे मौला को, जहर से मेरे मौला पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मेरे मौला का जख्म चेक करने के लिए कहने लगा कि लाया जाए एक भेड़ को ज़िबाह किया जाए, उसके जिगर को मेरे मौला के जख्म पर रखा जाए। भेड़ को ज़िबाह किया गया, उसका जिगर मेरे मौला के सर पर जो रखा, भेड़ के जिगर का रंग भी सब्ज हो गया। आंखों पे हाथ रख लिए, परे मुंह के खड़ा करके खड़ा हो गया। मेरे मौला अब्बास से सब्र ना रहा, कहने लगे क्या हुआ। कहने लगा, मैं कह तो नहीं सकता लेकिन मजबूर हूँ, कहना पड़ेगा कि तुम्हारे बाबा ज्यादा देर के मेहमान नहीं है, अगर कुछ कर सकते हो इनकी खिदमत तो इनके जख्म के ऊपर दूध डाला जाए, जितना हो सके इन्हें दूध दिया जाए, जितना हो सके इन्हें दूध दिया जाए। मेरे मौला की इस बात की खबर पूरे कूफा के अंदर पहुंच गई, पूरे कूफा के अंदर पहुंच गई। मेरे मौला के लिए ये खबर कब पहुंचना था। वो बच्चे जो दूध पिए बगैर सो नहीं सकते थे, जब से सुना था कि अमीर कायनात के सर पे जरबत लगी है, क्रिया बुखार शुरू कर रखा था। मेरे मौला के लिए बीबियां कहती हैं कि दूध पी लो, बच्चे कहते हैं नहीं अम्मा हम भूखे मरते हैं, मर जाए, लेकिन ये दूध हमारे मौला के जख्मों पर डाल दीजिए, हमारे मौला बच गए तो हम बच जाएंगे। क्या था फिर अजीदो, कूफा की गलियां थी, लाइन लगाए सब दर सब बच्चे दूध के प्याले हाथों में लिए हुए खड़े हुए हैं। हर बच्चा कहता है पहले मेरे हाथ का दूध मेरे मौला को पेश किया जाए। हाँ
दो। ये वो बच्चे हैं जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनकी माओ ने उन्हें तरबियत दी है कि हाँ बच्चों, जब मौलाए वक्त के ऊपर बात आ जाए तो अपने आप को कुर्बान कर देना। ये बच्चे दूध लिए हुए खड़े हैं। हाँ दीदो, मेरे मौला ने जो वसीयत की थी ना आखिरी वक्त में 10 मुहर्रम को, मेरे मौला हुसैन आए, बीबी के करीब आए, बीबी ने आगे बढ़ के कहा भैया ये तहतुल हनक गर्दन से हटा दीजिए। मेरे मौला ने कहा क्या करना चाहती हो? कहने लगी बाबा ने मुझे वसीयत की थी, आगे बढ़ के भाई की गर्दन के बोसे लेना शुरू किए। बीबी ने मौला के गर्दन के जो बोसे लिए, मौला हुसैन कहते हैं बहना तुम भी अपनी कलाइयों से चादर हटा दो। कहने लगी बहना भैया आप क्या करना चाहते हो? कहने लगे अम्मा ने भी वक्त आखिर मुझे एक वसीयत की थी, कहा था जब तुम आखिरी वक्त आना मेरी बहन के बाजुओं का बोसा ले लेना, क्योंकि इन बाजुओं में रसल पहुंचाई जाएगी। बाजार बाजार, दरिया दरिया, दियार दियार फिर आई जाएगी। अला लहनतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم أجل لوليك الفرج Yeah.